स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। और विजयपथ एजुकेशन लेकर आया है आपके लिए मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जो कि हमारे प्रतिशत चैप्टर में आते हैं और ये कई कम्पिटिटिव की तैयारी के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन। तो पहला प्रश्न हमारा आ चुका है, समय ना मैं ज्यादा वेस्ट करूंगा आपका। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए 15 लीटर घोल है जिसमें 40% चीनी है, एक घोल है, बकेट है, जैसे ये बकेट है, ठीक है। तो ये 15 लीटर इसमें पानी है भैया, या घोल है, चीनी डाली है और पानी डाला है मिक्स करके, ठीक है। और बोला है इसमें चीनी कितनी है, 40%। अब इस 15% का यानी कि 40%, 15 का यानी कि 40% जो है वो चीनी है। कितनी है चीनी, शुगर टोटल है 40%, यानी कि 15 का 40% निकाल लीजिए, कितना आ गया, 0 से 0 गया, 2 दुनी 4, 2 5 10, 5 3 15, 3 दुनी 6 लीटर चीनी हुई इसके अंदर, यानी कि 6 लीटर क्या आ गई, चीनी आ गई। मेरे भैया समझ आया सबको। इसके बाद आगे बोले 3 लीटर पानी और मिला दिया, यहाँ पे 15 लीटर था बेचारा और भर गया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, 3 लीटर और डाल दिया। तो 3 डाला तो टोटल कितना घोल कितना हो गया, टोटल 18 लीटर का घोल हो गया। अब बोला है कि चीनी और पानी और मिला दिया गया नए घोल में चीनी के प्रतिशत मात्रा, तो चीनी है 6 लीटर की और टोटल घोल है 18 का, और गुणा कितना आ गया 100, 6 कम 6 6 18, तो 100 तो कटेगा नहीं, तो इसलिए 100/3%, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कहना हो तो 33/1/3% जो है वो आंसर रहेगा, प्रतिशत रहेगा चीनी का घोल। जो चीनी का घोल है वो कितने प्रतिशत रहेगा लाडलो, वो रहेगा 33/1/3 या 100/3% जो है वो घोल रहेगा। अगला सवाल है मिक्सचर पे ही, बालू और बालू मतलब बच्चों कुछ नहीं है, सैंड है, मतलब रेत की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लोहे का मिश्रण है 10 किलोग्राम का, मतलब एक वही है, लोहा डाला है इसके अंदर और रेत डाली हुई है, और इसमें क्या कितना है मिश्रण, क्या बोल रहा है, 10 किलोग्राम मिश्रण है, टोटल 10 केजी का मिश्रण है, इसमें 20% लोहा है, यानी कि आयरन, एफ ई सिंबल होता है इसका, है ना। तो कितने प्रतिशत है, 20%, तो 10 का आप 20% निकालो, तो इसका मतलब लोहा कितना है 2 किलो, और रेत कितनी हुई 2 किलो गया, तो इससे 8 किलो यानी कि रेत रही। उसमें कितने बालू को और मिलाया जाए, यानी कि रेत और मिलानी है तो प्लस एक्स होगा, हमें क्या पता कितने मिलानी है, कि वो 10% लोहा हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि 8+x ओवर लोहा, लोहा कितना है हमारा 2 किलो का, ठीक है, इक्वल टू, अब इन्होंने बोला लोहा हमारा 10% कर दे, तो लोहा हमारा यहां पर है नीचे, इसलिए 10 ये आ गया, 90 ऊपर हो गया, ठीक है। जो जिसके सामने पूछा होगा वो उसी के सामने लिखना बच्चों, डायरेक्ट आपको लिए सिंपल सवाल हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दुनी 18, ठीक है, 8+x, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू होगी 10%, तो एक्स यानी कि कितनी बालू और मिलाई जाए, तो कितनी मिलाई जाए 10% और मिलाई जाए, या 10 किलो और मिलाई जाए, केजी में था इसलिए हम प्रतिशत की बात करते नहीं है, हम केजीस में बात करें, तो 10% मिलाई जाए, तो भैया वो जो लोहा है वो 10% जो है मिलाया जाएगा, तो यानी कि 10 केजी ही मिलाया जाएगा मिश्रण, तो ये इसका आंसर था। एक और क्वेश्चन है, अल्कोहल है, ठीक है, शराबियों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब गिलास में क्या किया भैया, गिलास बनाया जी 40 लीटर का, ठीक है, मिश्रण है, विलयन मतलब मिक्सचर है, तो 40 लीटर का जो है वो घोल मिला दिया है, भैया आ जाओ सारे पियो आराम से, ठीक है। तो अल्कोहल 25% है इसके अंदर, ऐसे होता है ना शराब की बोतल में जो है वो 45% जो है
वो अल्कोहल होता है और पानी होता है। इसी प्रकार से इसमें ही 25% जो है यानी कि वो अल्कोहल कितना है, तो अल्कोहल है 25%, यानी कि 40 का आपको 25% निकालना है। तो 25 कम 25 25 चौके 100 यानी कि 10, तो 10 लीटर क्या हो गया आपका, अल्कोहल हो गया। अब बोला 10 लीटर अल्कोहल, तो पानी कितना हुआ, पानी, तो पानी 10 इससे कम कर दो तो 30 पानी है, ये याद रखना बेटा। अब बोला है कि उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए, अल्कोहल और कम कितना किया जाए, क्योंकि अल्कोहल को कम करना है, ठीक है। तो हमारा तो 10 था, ठीक है ना, 10 लीटर था, तो उसमें से और कितना कम किया जाए कि वो 20 हो जाए, यानी कि ये 20 हो गया, 20 हो गया, तो और तो पानी रहेगा, पानी ये हो गया, बटा 80 ये हो गया, 20 और 80 100 हो गया, हमें 100 बनाने होते हैं, ये याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो गया, 2 एकम 2 2 चौके 8, 4 से गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 - 4x = 30, पूरे परे कर लो, 40 - 10 30, 4x बच गया आपका 10, 4x तो कितना हो गया, 10/4, 2 2 4 2 5 10, तो 5/2 कितना आएगा, 5/2 आएगा, कितना आएगा बेटो, 5/2, ठीक है। 5/2 मतलब ये भी बोल सकते हो कि 5/2 लीटर बोल सकते हो, कई बार पॉइंट में भी लिखा हो तो 2.5 लीटर हो गया आपका, 2.5 लीटर, तो इतना मिलाया जाएगा, तो ये जो अल्कोहल है वो कितना हो जाएगा, 20%, 20% के हिसाब से बन जाएगा। अगला सवाल है, दो धातुओं के 25% मिश्रण, अब धातुएं हैं उसका 25% का मिश्रण है, कुल मिश्रण है ये 25%, ठीक है। ऐसे भी डायग्राम कैसे भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कैसे बनाना है। मिश्रण में पहली धातु यानी कि पहली ये है, दूसरी को मैं ये बोल रहा हूं सेकंड है, फर्स्ट है, ठीक है। तो 40% यानी कि 25 का 40%, अब तो आप सब समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। कितना हो गया, यानी कि 10 लीटर जो है वो मिश्रण हुआ, तो दूसरा आपको पता है 25 से 10 के, तो 15 आ गया, ठीक है ना भैया, कोई इशू तो नहीं है ना, समझ तो आना चाहिए भैया, ठीक है। तो बोला है कि दूसरी धातु यानी कि इससे दूसरी से कितना कम कर दिया जाए, यानी कि 15 में से कितना कम कर दिया जाए कि वे धातु कितने 50% हो जाए, यानी कि ये धातु को 50 बनाना है, तो दूसरी धातु भी लेनी पड़ेगी, बटा 10, तो ये तो 50 और 50 कितना हो गया, 100 हो गया, हमें 100 ही बनाना है बच्चों। अगर कई बार आपको यहाँ पर 20 बोला होता तो हम 20 ऊपर लिखते तो नीचे कितने लिखते, 80 लिखते, कितना लिखते, 80 लिखते, बिल्कुल याद रखिएगा। इसको कैंसिल हो गया, तो 1 से 1 गया, तो 15 - x = 10, माइनस किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी 5 लीटर जो है वो मिलाया जाएगा, क्या है, 5 लीटर, अच्छा कम किया जाएगा, तो 5 लीटर जो है वो कम किया जाएगा कि वे जो घोल है वो क्या बन जाएगा आपका, 50% बन जाएगा। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते रहिएगा इसी वीडियो और इसी चैनल पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।